गाइस, आज का टाइटल तो आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैंने सबसे पहला वीडियो KTM को लेकर डाला था कि मैं आपको बाइक के रिव्यू करने से पहले वीडियो में सबसे पहले प्राइस बताता हूँ। लेकिन बार बार मेरे पास आप लोगों का कमेंट आता है कि भाई इस बाइक का प्राइस क्या है। इस वजह से दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसपे मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बाइक्स यानी कि कंपनी की ऑलमोस्ट जितनी सारी बाइक्स आती है उन सभी का प्राइस मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं जानता हूँ प्राइस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले मैंने KTM को लेकर बनाया था और आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बजाज की गाड़ियों के लिए लेकर आया। उसमें मैं ऑलमोस्ट आपको लगभग बजाज की जितनी गाड़ियाँ आती है कोशिश करूंगा उसको मैं कवर करूं, और अगर एक आध दो गाड़ी मैं भूल गया तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट गाड़ियों का प्राइस बता दूंगा बजाज की ताकि आप लोगों को हर एक बाइक का प्राइस पता चल सके और आप बाइक परचेस कर सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पल्सर की सभी सीरीज के प्राइस के बारे में, बजाज की ऑलमोस्ट बाइक के प्राइस के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बजाज की जितनी भी बाइक्स आती है वो सारी बाइक्स इस वीडियो में कवर कर सकूं। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस के बारे में बता देता हूं। आप लोग मुझसे बार बार बोलते रहते हो कि भाई एक्स शोरूम जो प्राइस है वो क्या होता है और ऑन रोड प्राइस क्या होता है, और आप लोगों के यहाँ बाइक महंगी रहती है मेरे यहाँ कम प्राइस रहता है, इसका भी क्या रीज़न है? कई कई स्टेट में बाइक का प्राइस कम रहता है और कई कई सिटी या स्टेट में बाइक का प्राइस ज़्यादा रहता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक और क्या रीज़न है ये भी मुझे आप लोग बार बार पूछो। मैं आज आप लोगों को ये बात भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो एक्स शोरूम प्राइस होता है ना वो ब्रांड का नेशनल प्राइस होता है। नेशनल मीन्स ऑल ओवर इंडिया में एक बाइक जो होती है उसका एक्स शोरूम प्राइस डिसाइड होता है और वो एक्स शोरूम प्राइस उतना ही होता है चाहे वो कोई स्टेट हो या कोई भी सिटी हो। एक्स शोरूम प्राइस हर एक जगह सेम होता है क्योंकि उसको बजाज चाहे KTM कोई भी ब्रांड हो वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ऑन रोड प्राइस। अब ऑन रोड प्राइस क्या होता है? ऑन रोड प्राइस को हम कंप्लीट प्राइस भी बोलते हैं जिसमें बाइक में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं जैसा हम कह सकते हैं। वो दोस्तों नॉर्मली स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्जेस और कंपनी के एसेसरी चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए जो ऑन रोड प्राइस होता है उसमें आपको अलग से RTO चार्जेस देने पड़ते हैं। RTO चार्जेस मतलब क्या? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। RTO गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो होती है उनका एक संस्था है जिसे हम कह सकते हैं, वहां से हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होकर आता है, जहां से हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट आता है या नंबर आता है, तो वो गवर्नमेंट को जो चार्जेस देते हैं हम उसको RTO चार्जेस बोलते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस आता है। अब तो आपको पता है इंश्योरेंस 5 साल का हो चुका है, इंश्योरेंस के बारे में आपको पता ही होगा। और आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी मूपेड व्हीकल होती है या और भी व्हीकल होती है जिसमें एसेसरी चार्जेस लगते हैं, तो वो एसेसरीज भी उसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद हमारा ऑन रोड प्राइस आता है दोस्तों। और ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हर एक स्टेट में RTO एंड इंश्योरेंस जो चार्जेस होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के RTO चार्जेस 5,000 है तो हो सकता है मेरे यहाँ 4,000 होगा या उसके यहाँ 6,000 होगा। इस वजह से ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस हो जाता है दोस्तों RTO चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि अब ऑन रोड प्राइस क्या होता है और एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है। चलिए अब हम अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप जिस चीज़ के लिए आज की वीडियो को क्रिएट किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ CT 100, बजाज की CT 100 आती है, आपको पता है 100 cc। ये हमें 63,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है, 63,000 रुपये। उसके बाद आती है बजाज प्लेटिना 110 एच गियर 110 cc, वो हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है दोस्तों 76,000 रुपीज़ के आसपास, 76,000 रुपये के आसपास हमें प्लेटिना 110 एच गियर BS6 मॉडल ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पल्सर सीरीज के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि बजाज में सबसे ज़्यादा पल्सर सीरीज ही आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी 125 में। 125 में भी दो मॉडल आता है दोस्तों, एक आती है पल्सर 125 नियॉन और एक आती है पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल। पल्सर 125 जो नियॉन आती है दोस्तों वो ऑन रोड प्राइस पड़ती है ऑलमोस्ट 93,000 रुपीज़ के आसपास, जी हाँ 93,000 रुपये के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। उसके बाद आती है दोस्तों पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल, वो हमें पड़ जाती है ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 97,000 रुपीज़ के आसपास, 97,000 रुपये के आसपास हमें
पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पल्सर 150 सीरीज के बारे में। जी हाँ, आपको पता है 150 सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है पल्सर की, यानी कि बजाज की। तो इसमें आप लोगों को तीन मॉडल देखने को मिल जाते हैं। एक आती है पल्सर 150 नियॉन, एक आती है पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल, और सबसे फेमस आती है पल्सर 150 स्प्लिट सीट मॉडल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इनके प्राइस के बारे में। पल्सर 150 नियॉन आती है दोस्तों 1,07,000 रुपीज के आसपास, 1,07,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ती है, सबसे कम प्राइस उसी का है। उसके बाद आती है पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल, जिसे हम रेगुलर मॉडल भी कहते हैं, ये हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है 1,17,000 रुपए, 1,17,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल, जिसे हम रेगुलर मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड मॉडल से ऊपर हमारी आ जाती है पल्सर 150 स्प्लिट सीट। अब दोस्तों पल्सर जो 150 स्प्लिट सीट मॉडल आती है, बहुत ज्यादा फेमस गाड़ी है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये हमें ऑन रोड प्राइस, अब आपको पता है कि प्राइस बढ़ा है अभी कुछ समय पहले बजाज की बाइक्स का, तो अब ये हमें पड़ जाती है 1,22,000 रुपीज के आसपास, 1,22,000 रुपए में अब हमें ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो उसके बाद आती है पल्सर 180F। जी आपको पता है पल्सर 180 आई है, तो पल्सर 180 हमें पड़ जाती है दोस्तों 1,32,000 रुपीज के आसपास, 1,32,000 रुपए। उससे भी ऊपर आप लोगों की फेवरेट बाइक आ जाती है पल्सर 220 BS6 मॉडल, ये आपकी पड़ जाती है 1,42,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड प्राइस, 1,42,000 रुपए के आसपास हमें ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। यानी कि प्राइस तो 220F का मुझे ज्यादा बेटर लगता है कंपैरिजन टू अदर पल्सर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेकेड सेगमेंट के बारे में, स्पोर्ट सेगमेंट के बारे में, तो सबसे पहले आ जाती है पल्सर 160 NS। जी NS 160, ये हमें पड़ती है 1,26,000 रुपीज के आसपास, 1,26,000 रुपए में हमें NS 160 ऑन रोड प्राइस पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आती है पल्सर NS 200 BS6 मॉडल, सबसे बेस्ट बाइक पल्सर की सीरीज में, ये हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है 1,54,000 रुपीज के आसपास, 1,54,000 रुपए के आसपास हमें NS 200 BS6 मॉडल ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है दोस्तों, यानी कि 1,54,000। उसके बाद आती है हमारी पल्सर RS 200 BS6 मॉडल, सबकी फेवरेट फॉर साउंड पावर एंड पिकअप, ये हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है दोस्तों 1,75,000 रुपीज, 1,75,000 रुपए के आसपास हमें ये ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। उसके बाद हमारी आ जाती है डोमिनार सीरीज। डोमिनार सीरीज में अभी आपको पता है कि नई गाड़ी आई है डोमिनार 250 BS6 मॉडल, ये हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है 1,88,000, 1,88,000 रुपए। जी हाँ, 1,88,000 रुपए में डोमिनार 250 ऑन रोड प्राइस पड़ती है। उसके बाद आती है दोस्तों डोमिनार 400 BS6 मॉडल, ये हमें ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है 2,32,000 रुपीज, यानी कि 2,32,000 रुपए के आसपास हमें डोमिनार 400 BS6 मॉडल ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। 400 cc में सबसे सस्ती बाइक आपको डोमिनार ही देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे अवेंजर सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले आती है अवेंजर 160 स्ट्रीट मॉडल, वो आती है दोस्तों 1,15,000 रुपीज के आसपास, 1,15,000 रुपए में ये हमें ऑन रोड प्राइस मिल जाती है। उसके बाद आपकी लास्ट बाइक आती है एवेंजर 220 BS6 क्रूज मॉडल, जी आपको पता है 220 cc में आती है, वो हम लोगों को पड़ जाती है दोस्तों 1,42,000 रुपीज के आसपास, 1,42,000 रुपए के आसपास हमें एवेंजर 220 BS6 मॉडल क्रूज पड़ जाती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बजाज की, ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी गाड़ियों का प्राइस बताया। कोई बाइक अगर मैंने भूला है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।